जय माता दी दोस्तों, जोहार। आज मैं आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार और इस तरह का कुछ न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा। आज मैं एक मंदिर का दर्शन कराऊंगा आप लोगों को, जो टाटा गालोडी रोड में स्थित है। ये मंदिर अभी हाल ही में बन के तैयार हुआ है, माता वैष्णो देवी की मंदिर। ये साक्षात माता वैष्णो देवी जो जम्मू में स्थित है, उसकी ही रूपरेखा में ये मंदिर तैयार है। ये मंदिर बनकर आज पूरी तरह से रेडी है। आज मैं माता वैष्णो देवी के मंदिर के मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। माता वैष्णो देवी जो टाटा रांची रोड में स्थित है, ये मंदिर को मैं दिखाना चाहता हूँ। आज माता वैष्णो देवी हमारे जमशेदपुर में साक्षात आ चुकी है। माता वैष्णो देवी का दर्शन हम आपको कराएंगे। आइए, मैं आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करूँगा। और साक्षात ये पंडित जी से मैं, यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं आपसे दो बात कर पूछना चाहूँगा कि ये मंदिर कब और कैसे हुआ। मंदिर के जो पुजारी हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा, ये मंदिर कब स्थापित हुई और यहाँ की क्या मुख्य आपकी क्या यहाँ मुख्य आपका जो मंदिर किस चीज़ की बनी हुई है। जय माता दी। जय माता। मैं पंडित शिवराम शास्त्री काशी से यहाँ पर माता जी की सेवा में आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये श्री माता वैष्णो देवी धाम झारखंड जमशेदपुर उल्दा गांव में स्थित है। ये 21 इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 21 अप्रैल को हुई है, 2022। हाँ, 21 अप्रैल 2022 को इसकी स्थापना हुई है। और उससे पहले 8 दिन का यज्ञ रखा गया था, जिसमें 2100 कलश का शोभा यात्रा निकला था, कलश यात्रा निकला था। और बहुत ही विशाल यज्ञ रखा गया था, पूरे झारखंड में इसका विशेष वर्चस्व रहा इस यज्ञ का। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जो माता वैष्णो देवी धाम का ही प्रतिरूप, माता वैष्णो देवी का ही प्रतिरूप यहाँ पर लाया। जम्मू में माता वैष्णो देवी स्थित है, जम्मू में जो माता वैष्णो देवी स्थित है, उन्हीं का प्रतिरूप यहाँ पर आया है। माता वैष्णो देवी का ही अंश है। ये तीनों पिंडियाँ वहीं से आई है। जैसे महाकाली जी सबसे उस साइड जो आप देख रहे हैं काले पत्थर में है, वो महाकाली जी, हाँ दाहिनी ओर वो महाकाली जी हैं, बीच में जो देख रहे हैं वो महालक्ष्मी जी हैं, और सबसे इस साइड जो देख रहे हैं वो श्री महासरस्वती जी हैं। उसके बाद ऊपर माता त्रिनयना देवी हैं, जैसा माता वैष्णो देवी धाम में है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो ये पिंड स्वरूप में जो आप पिंडियाँ रखी हुई हैं, ये पिंड कहाँ से लाए हुए हैं? ये माता वैष्णो देवी से ही आया है। अच्छा, माता वैष्णो देवी से ही आया है, वहीं से माता जी स्वयं चल करके आई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये हमारे जमशेदपुर खास करके सिंहभूम के लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि माता वैष्णो देवी साक्षात गालुडी में अवस्थित हैं और यहाँ विराजमान हो गई हैं। बहुत ही अच्छे। तो पुजारी जी, ये माता वैष्णो देवी के जो पिंड यहाँ स्थापित किया गया है, ये आप लोगों ने खुद स्थापित किया या जम्मू से कोई आए? माता वैष्णो देवी के जो मेन पुजारी जी थे, उन्होंने 21 अप्रैल को वो उनकी तीन पीढ़ी आई थी। वो आए थे, उनके लड़के आए थे, उनके पोते, सारे लोग आए थे। यहाँ 3-4 दिन रुक करके यहाँ उन्हीं के हाथों से आरती सम्पन्न हुआ, पहली आरती उन्हीं के हाथों से हुआ। बहुत ही खूबसूरत। और भी कुछ है आप बता दें? हाँ माता जी,
ये हिमाचल से माता ज्वाला देवी का जोत है, जहाँ वहाँ पर वहाँ का महत्व बहुत ही, हाँ, माता जी स्वयं साक्षात उनकी सात ज्वालाएं जो प्रकट हुई थी, तो वहीं से उनका अखंड ज्योत जला करके लाया गया है और लगातार ये हमेशा जब से आया है तब से जल रहा है, और माता जी की कृपा होगी तो ये हमेशा ही जलता रहेगा माता ज्वाला जी की। जरूर जरूर पुजारी जी, ये ज्योत लोगों के लिए ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता वैष्णो देवी धाम साक्षात माता जी वहाँ से आई हैं, और माता ज्वाला जी भी साक्षात माता ज्वाला जी से पधारी हुई। बहुत ही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और ये देवी, ये राम दरबार है, हाँ ये राम दरबार है, इसमें श्री राम जी हैं, माता सीता जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, और नीचे बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज हैं। महाराज जी बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे मूर्तियाँ जो है ये जयपुर के विशेष कलाकृति के द्वारा बनाया गया है जी। ये वियतनाम से पत्थर आया है, वियतनाम का पत्थर है और जयपुर की कलाकृतियाँ हैं। ये इधर आप देख रहे हैं शिव परिवार, सॉरी शिव परिवार है। शिव परिवार की ये गणेश जी हैं, ये माता पार्वती हैं, ये भगवान शिव हैं, और ये चतुरानंद भगवान कार्तिकेय जी हैं। इनका पीछे भी एक ठो मुख है जो आपको दिख नहीं रहा है, तीन मुख इधर है, चतुरानंद इनको बोला जाता है, भगवान कार्तिकेय जी। और ये नर्मदा नदी का जो पत्थर होता है उनके द्वारा, हाँ नर्मदेश्वर इनको बोला जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नर्मदेश्वर, इनका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर हम लोग दो पंडित जी जम्मू से और मैं काशी से आया हूँ, यहाँ पर हम लोग रुद्राभिषेक अलग अलग मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो अलग अलग दूध से, गंगा जल से, मतलब दूध मिश्रित जल से, शक्कर मिश्रित जल से, कुश से, कुश के जल से, ये सब सारे चीज़ यहाँ पर होते हैं। ये नंदी जी हैं, नंदी महाराज हैं, और ये इसी यंत्र लग रहा है जी, इसकी महिमा बताएं। ये साउथ से श्री यंत्र साउथ से तैयार करवा के लाया गया है, दक्षिण से लेकर दक्षिण भारत, दक्षिण में किस जगह, ये चीज़ जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन दक्षिण भारत से आया है। इधर आपको बिहार झारखंड में इस तरह का श्रीयंत्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये पहला श्रीयंत्र यहाँ पर है। यहाँ पर इनका माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत विशेष प्रिय होता है, तो हम लोग यहाँ पर 1008 कमल फूल से जो है इनका सहस्त्रार्चन करते हैं, और भी फूल से कर सकते हैं। उसके बाद दुग्धाभिषेक भी होता है श्रीयंत्र द्वारा, श्रीयंत्र का, तो यहाँ पर मतलब सहस्त्रार्चन, दुग्धाभिषेक, यहाँ पर पूजा किया जाता है। बहुत अच्छा पुजारी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। और अच्छा, और ये देवी राधा कृष्ण जी हैं, हाँ सारे पत्थर जो आप सारी मूर्तियाँ जयपुर की ही मूर्तियाँ हैं, आप जी सारी मूर्तियाँ जयपुर से। ये अद्भुत कलाकृति और हमारे जमशेदपुर में अवस्थित है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और ये मंदिर को यहाँ स्थापित कर किया। हम आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद आपको। ये माता वैष्णो देवी मंदिर जो टाटा गालुडी झारखंड में अवस्थित है, इसको मैं आज दिखाते हुए काफ़ी हर्ष महसूस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ के पुजारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। आप लोग कभी आएँ, ये मंदिर देखें, और इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों को माता वैष्णो देवी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और अब तक न्यूज़ को आप लोग देखें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।